हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके सामने लेके हाजिर हो चुके हैं आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे आज की इंपॉर्टेंट खबरें जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के एनालिसिस को। तो इंपॉर्टेंट खबरों में से एक आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, नया रिकॉर्ड बना दिया है हमारे देश के युवा और सरकार ने मिलके। विच इंडियन सिटी हैज क्रिएटेड गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 11.71 लाख क्ले लैंप्स। 11,71,000 लैंप्स, मतलब दीयों का रिकॉर्ड बना दिया हमने फिर से। देखिए, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं अपने देश वाले, ठीक है ना। अभी इसके पहले आपका अयोध्या में रिकॉर्ड बना था 9 लाख समथिंग दियो का। तो ये देखिए, लगभग 10 मिनट में 11 लाख दिए जलाए गए ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि 2022, अभी जो आपका शिवरात्रि का त्योहार था। तो इस दिन कहाँ पे, किस सिटी में लगभग 11,72,000 दिए जलाए गए, और ये पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया गया और ये क्या बन गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावेदारी कर दी और जी भाई अपना नाम दर्ज करा लिया। तो उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी या प्रयागराज, तो आपको बताना है कौन सा वो शहर है। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा, उस शहर का नाम है आपका उज्जैन, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उज्जैन में ये रिकॉर्ड बना। तो उज्जैन इन मध्य प्रदेश हैज क्रिएटेड गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 11.71 लाख क्ले लैंप्स, जिसको दिया जलाया गया 10 मिनट तक, ठीक है ना। द दिया वर लाइटेड एज पार्ट ऑफ द शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। किस अवसर पर, महाशिवरात्रि जो 1 मार्च 2022 को मनाई गई। विद दिस दे ब्रोक अर्लियर रिकॉर्ड, भैया इसके पहले अपना योगी जी जलाए थे आपके अयोध्या में 3 नवंबर 2021, जो आपका दिवाली के अवसर पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, लैंड ऑफ महाकाल किसको कहा जाता है। तो उज्जैन इज नोन एज लैंड ऑफ महाकाल का, वहां पे मंदिर है ना, तो इसीलिए उज्जैन को लैंड ऑफ महाकाल भी जाना जाता है। द सर्टिफिकेट वॉज रिसीव्ड बाई मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। भैया बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है बच्चों, द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया, श्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इन कोलैब विद विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वीमेन पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। यानी महिलाओं का मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए आपका स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो यही आपको बताना है कि किसके साथ, कौन सी ऐसी संस्था के साथ शुरू किया गया है इस प्रोजेक्ट को। तो ध्यान रखिएगा, संस्था का नाम है आपके NIMHANS, ठीक है ना। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, ठीक है ना, NIMHANS। इसका देख लेते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। तो भाई साहब, यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। श्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट है, इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपकी कौन सी है, स्मृति जुबीन ईरानी। ऑन डे टू ऑफ द वीक लॉन्ग इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जा रहा है ना, आपको पता होगा 1 से 8 मार्च के बीच में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इसमें धड़ाधड़ आपके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं महिलाओं से रिलेटेड। तो इनिशिएटिव में जो लॉन्च किया गया है कोलैब विद NIMHANS, क्या है, एक वर्ल्ड रेनाउंड सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ है, ठीक है ना। ये क्या है, न्यूरो साइंसेस एंड एलाइड फील्ड बेस्ड इन बेंगलुरु, ठीक। और क्या क्या बात, खास बात है, प्रोजेक्ट वुड फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन वन स्टॉप सेंटर्स OSC अक्रॉस इंडिया, द टूल्स एंड टेक्निक्स एज हाउ टू हैंडल द केस ऑफ वीमन अप्रोचिंग द वन स्टॉप सेंटर्स। सारी चीज जो सफर करती हैं वायलेंस वगैरह, डिस्ट्रेस विद ड्यू टू सेंसिटिविटी एंड केयर, तो महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से एक तरीके से वन स्टेप सॉल्यूशन के तरीके से है, तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। बच्चों ये ध्यान में रखना है, सही जवाब है ध्यान में रखिएगा 120वां स्थान है अपने देश का, ठीक है ना। तो भूलिएगा मत, आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है ये आपका 120वां स्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में, ठीक है ना।
फिर भैया टॉप वो कौन दिया है अभी देख लो भैया, फिनलैंड आपका टॉप पे है। फिर इंडेक्स मेजर कंपनी कंट्रीज टोटल प्रोग्रेस टूवर्ड अचीविंग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें सारी चीजें रखी गई हैं। 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वर अडॉप्टेड बाई इसके द्वारा यूएन जनरल असेंबली इन सितंबर 2015 एज अ पार्ट ऑफ 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो अपना ये अपना एजेंडा वगैरह है, ये सब सारी चीजें। टॉप 5 कंट्री में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड बेल्जियम भी टॉप 5 में रहे। इस इंडेक्स में कंट्रीज आर रैंक बाई स्कोर आउट ऑफ 100। इंडिया ने कितना किया भैया, 60.07 स्कोर किया। लास्ट ईयर जो हमारी रैंक थी 117 थी, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अनुभव इज अ मोबाइल कार शोरूम लॉन्च बाय विच ऑटो कंपनी फॉर इट्स रूरल कस्टमर, मतलब ग्रामीण इलाकों में अपने मोबाइल आपका कंपनी मोबाइल कार शोरूम है ये, तो अपना गांव गांव एरिया तरफ जाएगा, लोगों को दिखाएगा बताएगा, तो गांव के लोग भी देखेंगे जानेंगे खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये टाटा मोटर्स है, मारुति है, महिंद्रा है या आपका अशोक ले लैंड है, तो इसे कौन काम कर सकता है इतना बड़ा काम, तो टाटा मोटर्स इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। मोबाइल शोरूम इन्होंने लॉन्च कर दिया है, इसका नाम अनुभव है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। रूरल्स कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए जहाँ पे सारी चीजें अपना बताएंगे, और ये लगभग 103 मोबाइल शोरूम्स पूरे अक्रॉस द कंट्री स्टार्ट किए गए हैं, जो आपको जा जाके बताएंगे, आपके गाँव वगैरह में भी आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, और ये सोचिएगा हमने तो करंट अफेयर में पढ़ लिया है। हु हैज बीन रूप्ड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब CFO बना दिया गया है किसका, LIC का, ठीक है। तो उनका नाम क्या है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, उनका नाम है सुनील अग्रवाल, ठीक है ना। नाम उनका क्या है, सुनील अग्रवाल, जो कि CFO बना दिए गए हैं। इसके पहले अग्रवाल क्या थे, CFO थे रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है ना। चलिए, नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है, भी ध्यान रखना है। तो ये भैया 4 मार्च को मनाया जाता है, भूलिएगा मत, एग्जाम में आ सकता है। 4 मार्च को हर साल कॉमरेड द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ठीक है ना, जो कि कब बना था, 1972 में, ठीक है ना। तो इस बार 2022 में 56 NSD नेशनल सेफ्टी दिवस मनाया गया। इस बार का थीम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं, नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। 2022 नेशनल सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक। TS रामकृष्ण अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच म्यूचुअल फंड कंपनी, किस म्यूचुअल फंड कंपनी के CEO बना दिए गए, तो ध्यान रखना बच्चों ये है LIC म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। ये आपके TS रामकृष्ण साहब हैं, जो कि सारी जानकारी इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, दिनेश पंगटे को इन्होंने रिप्लेस किया है। श्री निवेदिता ईशा सिंह एंड रुचिका बिनेरकर रिसेंटली रिप्रेजेंट इंडिया इन विच स्पोर्ट्स टू विन गोल्ड मेडल, भी हाल ही में इन्होंने कौन से खेल को रिप्रेजेंट किया, तो ध्यान में रखना बच्चों, शूटिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट हर, श्री निवेदिता ईशा एंड रुचिका, इन्होंने इंडिया को प्राउड किया भाई, गोल्ड मेडल जिताया है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में, जो ISSF वर्ल्ड कप कायरो में आयोजित किया गया 2 मार्च को, ठीक। इंडिया इज लीडिंग द मेडल टेबल विथ 3 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड एंड सिल्वर, भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपका जानकारी है भैया, कौन है, इंडिया सैंड्रा एंड कैरिना जर्मनी सेटल फॉर द सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल 4 मार्च को, ठीक है ना, किसके द्वारा, टू कॉमरेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। NSC जो है आपका किस वर्ष से ये स्टेब्लिश हुई थी आपकी, तो ध्यान में रखिएगा 1972 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सारी जानकारी है, 1972 में इसको हेल्ड किया गया। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ 1966 दैट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश बाई द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है ना। अच्छा क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों 1966, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1960 NSD जो है आपकी 1970
नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया आपका 1972, लेकिन ऑर्गेनाइज जो हुआ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपका ये हुआ, आपका ध्यान में रखिएगा 1966, क्योंकि आपसे पूछ रहा है ना एनएससी स्टैब्लिश कब हुआ, तो दिस इज द राइट आंसर, ओके 1966। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट वॉज द प्रोफेशन ऑफ द जयप्रकाश चौकसी जो अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया, तो ये क्या थे आपके, एक फिल्म क्रिटिक थे आपके चौकसी साहब, ठीक है, जिनका निधन हो गया, इनके बारे में कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो गया 82 साल की उम्र में, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज जी चौहान, स्टेट कांग्रेस कमलनाथ एंड सेवरल अदर कंडोलेंस चौकसी स्टेस, ओके। चलिए आगे देखते हैं, वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है, इंडिया एंड फ्रांस साइन किए हैं क्या रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है इंडिया एशिया एक्सप्रेस IEX अंडर सी केबल सिस्टम कहाँ पे, मालदीव में, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया विल सेटअप इट्स फर्स्ट IIT आउटसाइड द कंट्री UAE, ठीक है ना, पहला IIT अपना इस्टेब्लिश कर रहा होगी कहाँ पे, UAE में। अदानी ग्रुप ने टाई अप किया है बालार्ड पावर के साथ बाल पावर सिस्टम टू कमर्शलाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इन इंडिया, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साइंड MOU विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स टू कोलैब, किस लिए, ऑन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, ठीक। इंडिया नेपाल विल सेटल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन बिल्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 10th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भैया इंडिया की रैंकिंग ध्यान रखना बच्चों 43rd, US आपका टॉप पे है। जापान और इंडिया क्या करने जा रहे हैं, रिन्यू किए रहे हैं बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट BSA कहां तक, कितने तक, $75 बिलियन, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, बाकी चीजें आपको पता ही है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए, और अपने बाकी चीजों को स्टैटिक कोर्सेस वगैरह हो गए इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।